हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर सिनोनिम एंटोनिम को याद कैसे किया जाए, क्योंकि सर ये बहुत ही मुश्किल लगता है। तो कुछ डाउट्स आए हुए थे इस बेसिस पर कि सर ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ पर याद नहीं हो रही चीज़ें, तो कैसे याद किया जाए। तो ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ स्टोरी बताने वाला हूँ, स्टोरी को अपने पढ़ाई से रिलेट करके देखना, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि सिनोनिम एंटोनिम को याद कैसे करने हैं या फिर किसी भी चीज़ को कैसे याद करने हैं। आप स्टोरी समझ करके समझ जाओगे, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपकी प्रैक्टिस में कैसे मददगार साबित हो सकता हूं, इस चीज़ को भी बताऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ में चलूंगा, साथ रहूंगा, ठीक है। एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी ये है, मैं शॉर्ट में निपटाता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोरी ये है कि किसी गांव में एक तेल बेचने वाला बंदा आता है। पहले के ज़माने में तेल बेचे जाते थे गली गली घूम करके। तो एक तेल बेचने वाला व्यक्ति आता है और बहुत उसके इर्द गिर्द भीड़ होते हैं, मतलब काफ़ी जन देखने को वहां पर आतुर रहते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो जब तेल बेचता था और लेने वाला व्यक्ति अगर बर्तन लाता था तो उसके हाथ में एक सिक्का होता था, छोटा सा सिक्का, और सिक्के के बीच में एक छोटा सा होल होता था। और वो करता क्या था, उस सिक्के को इस तरीके से लेता था और बर्तन के ऊपर ऐसे रखता था और तेल को गिराता था, और बहुत ऊंचाई से गिराता था, और तेल परफेक्ट तरीके से उस छोटे से होल से होकर के उसके बर्तन में गिरता था। तो लोग काफ़ी उत्सुक रहते थे देखने को कि अरे यार, इतने परफेक्ट तरीके से ये कैसे कर दे रहा है, इतने छोटे से होल में तेल को पास कर दे रहा है, बिल्कुल एक बूंद इधर उधर नहीं गिर रहा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो वही चीज़ देखने के लिए क्या करते थे, काफ़ी सारे लोग रहते थे, तालियां भी बजाते थे, है ना, मज़े भी लेते थे और तेल भी खरीदते थे उनसे। अब हुआ यूँ कि उसी भीड़ में से एक बंदा पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है, अरे इतना आसान काम, और ज़ोर से हंसते हुए कहता है, ये तो मैं यूँ चुटकी से कर सकता हूँ। तो उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है, आज तक किसी ने मुझे ये चैलेंज नहीं किया कि इस तरीके को मैं करके दिखा दूंगा इतने परफेक्ट तरीके से, किसी ने चैलेंज नहीं किया, कौन होते हो तुम, आ करके दिखाओ। तो फिर से हंसने लगता है। अब जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सब उसके तरफ देखने लगते हैं, क्या पागल ये बके जा रहा है ना, कि भाई तुम कैसे कर सकते हो। अब सवाल ये है कि वो बंदा बोलता है, जो हंस रहा होता है ये बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगा, लेकिन जो काम को मैं करके दिखाने वाला हूँ, अगर तुम उस काम को कर दोगे तो मैं भी ये काम कर दूंगा, उस छोटे से होल के बीच से मैं तेल को गिरा दूंगा, अगर वो काम तुम कर दोगे जो मैं करने वाला हूँ। तो वो क्या करता है, वो बंदा के पास तीर और धनुष होता है, एक तीर को निकालता है, धनुष पर चढ़ाता है और मारता है एक पेड़ के टहनी पर, परफेक्ट तरीके से टहनी पर जा करके वो चुभ जाता है। फिर दूसरा तीर निकालता है और ऐसा निशाना लगाता है कि पहले वाले तीर को दो टुकड़ों में बांट देता है और फिर से जाकर के टहनी में चिपक जाता है। फिर तीसरे तीर निकालता है और फिर से मारता है और दूसरे तीर को फिर से दो टुकड़ों में एकदम परफेक्ट तरीके से बांट देता है और फिर से वो टहनी में चिपक जाता है। बोलता है, ये काम तू करके दिखा, मैं तेरा काम तेल वाला आसानी से कर दूंगा। तो उस पर भी लोग तालियां बजाने लगते हैं, बोलते यार ये कैसे हो रहा है, आज तो दो दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना, परफेक्शन का एकदम अच्छा सा नमूना देखने को मिल रहा है, क्या कारण है इसका। कारण कुछ नहीं है, कारण है परफेक्ट प्रैक्टिस का, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करने आने चाहिए। वे लोग इतनी मेहनत किए, सालों भर मेहनत किए होंगे उस चीज़ को दिखाने के लिए, समझ रहे हो बात को। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे मैं बताऊँगा लास्ट में, मैं आपके साथ साथ चलूँगा, साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊँगा, कब और कैसे रिवीजन करने हैं ये भी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब दूसरी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, तो फाइनल ईयर में क्या होता है, कॉन्वोकेशन का सेरेमनी होता है। कॉन्वोकेशन में लोग डिग्रियाँ लेते हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर के जो यूनिवर्सिटी टॉपर होता है तो उसको माइक दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या कारण है कि तुम हमेशा टॉप करते हो और फाइनली आकर के यूनिवर्सिटी टॉपर बने, मेडल भी मिला, क्या कारण हो सकता है। तो वो मुस्कुरा करके जवाब देता है, वो बोलता है कि मेरी मेमोरी पावर अच्छी है, और मेरी मेमोरी पावर इतनी अच्छी है कि मैं 10 साल पहले
या फिर 5 साल पहले या फिर 2 साल पहले मैं क्या मॉर्निंग में खाया था ये भी आपको बता सकता हूँ। तो लोग बोलते यार इतनी मेमोरी तेज है कि आज से 10 साल पहले वो मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट में लिया था ये भी उसको याद है। तो सब उत्सुकतावश पूछते हैं कि बताइए कि क्या कारण है कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है। अब वो बंदा मुस्कुरा करके धीरे से बोलता है कि पता है मैंने क्या खाया था आज से 10 साल के पहले, मतलब मॉर्निंग में क्या खाया था, 4 छुहाड़े खाए थे, गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा खाया था, कुछ चने खाए थे। तो सब लोग बोलते यार कैसे याद है ना, आप भी मतलब आश्चर्य करोगे इस बात को सुन करके। फिर क्या होता है, वो बंदा मुस्कुरा करके बोलता है कि बात यूँ है कि मैं 10 साल पहले क्या खाया था इसलिए याद है क्योंकि मैं हर रोज़ मॉर्निंग में उसी चीज़ को खाता हूँ। मतलब वो ताने मारते हुए कहता है कि मेमोरी की बात नहीं है, मैं हर रोज़ मॉर्निंग में वही खाता हूँ इसलिए मुझे याद है कि बरसों पहले मैं क्या खाया था। इस कहानी से क्या सीखे, वो बंदा बताना ये चाहता था कि डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस जो चीज़ आप करते हो वो चीज़ आप नहीं भूलते, और वकैब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 2 महीने भी छोड़ दोगे ना तो 3रे महीने आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस की चीज़ है, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता आपको डेली बेसिस पर वकैब के लिए तैयारी करनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस करने चाहिए, डेली रिवीजन थोड़े थोड़े करके करने चाहिए। और किस तरीके से रिवीजन होते हैं ये भी आप लोग परफेक्ट तरीके से नहीं जानते, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस, क्लियर। तो दूसरी स्टोरी से आप कुछ सीखे कि डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने हैं। तीसरी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से समझना, उसमें भी राज छुपा हुआ है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब वोकैब की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं एक ही दिन में सब कुछ याद कर लूँ, है ना, और फिर पागल हो जाते हैं, कुछ भी याद नहीं कर पाते, फिर थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो एक ही बार पूरे पहाड़ को नहीं उठाना है। मैं तीसरी स्टोरी बताता हूँ, रिलेट करने की कोशिश करना। तीसरी स्टोरी ये है कि एक बार जापान में एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ करता था, बहुत ही बड़ा पहलवान था, काफ़ी फेमस था पूरे वर्ल्ड लेवल में, पूरे ओलंपिक्स में मतलब हर मेडल को वही जीत करके लाता था पहलवानी में। तो लोग पूछते थे कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, अब बताओ मुझे कि इसके पीछे का क्या सीक्रेट है। तो एक बार टिप्स के तौर पे देते हैं लोगों को कि मैं आपको एक बताता हूँ राज की बात कि मैं इतना मतलब इतना बड़ा पहलवान कैसे बन करके उभरा, इतने मेरे बाजुओं में ताकत कैसे आई, उसका सीक्रेट वो बताता है। वो पता है क्या करता था, वो बंदा मतलब बड़े बड़े जो बैल होते हैं ना, मतलब क्विंटल में बैल को उठा सकता था वो अपने बाजुओं में। इसके पीछे के रीज़न लोग जानना चाहते थे, तब वो बताना स्टार्ट किया। इसके पीछे का रीज़न वो बताता है कि जब बछड़ा पैदा लिया था ना, जब बछड़ा पैदा लिया था तब से मैं उसे ऐसे उठाने की प्रैक्टिस किया। तो उस टाइम तो वज़न बहुत कम होता है, 20-25 किलो, है ना, तो डेली बेसिस पर उसको प्रैक्टिस करता था। अब अगले दिन मान लो कि वो बछड़ा मान लो 25 kg का है, 100 ग्राम अगले दिन बढ़ गया तो उसको ज़्यादा भारी नहीं लगेगा उठाने में। फिर अगला दिन 100 ग्राम मान लो बढ़ गया, फिर से उसको उठाने में उतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से वो प्रैक्टिस किया तो उसकी हैबिट बन गई, और हैबिट ऐसी बनी कि उसको लगने लगा कि यार ये बैल थोड़े है, अभी वही बछड़ा है जिसको मैं उठाते आया हूँ। तो वो बछड़ा जब बैल बन जाता है तो आसानी से उस बैल को भी उठा लेता है, उसके बाजुओं में ताकत आ जाती है। पता है कहानी से क्या सीख मिलती है, कहानी से सीख ये मिलती है कि आप सीधा बैल को मत उठाओ, अब बछड़े को उठाओ, पूरे पहाड़ को नहीं तोड़ना है, थोड़े थोड़े टुकड़े करके उसके पत्थर उखाड़ने हैं, तब जा करके पहाड़ टूटता है। तो आप लोग को क्या करना है, मतलब हड़बड़ी में आकर के पूरे SP बक्सी के वकैब को एक ही दिन में रट्टा मार जाना, ऐसे कभी नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। क्या करना है आपको, छोटे छोटे टुकड़े में प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। जैसे आप डेली ब्रश करके ही खाना खाते हो, डेली नहा करके ही खाना खाते हो, थोड़े थोड़े पूजा पाठ करके ही खाना खाते हो, है ना। तो इसी तरीके के डेली के प्रैक्टिस होने चाहिए दो चीज़ों के लिए, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, दो चीज़ों के लिए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, एक मैथ्स के फॉर्मूले और दूसरा वोकैबुलरी। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ग्रुप में, कोई पैसे चार्ज नहीं है, किसी तरीके के आपको पैसे नहीं देने हैं, पूरा SP बक्सी मैं आपके फिंगर टिप्स पे करा दूंगा। आप मेरे पुराने स्टूडेंट से मिलोगे, मैं तो नाम भी गिनवा सकता हूँ अच्छे से, कई सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब भी ले लिए पिछले बार CGL के, सबको पूरे SP बक्सी के सारे सीरीज, मतलब 6 सीरीज में पढ़ाया हूँ, पूरे कंप्लीट सीरीज पढ़ा दिया हूँ यूट्यूब पे, एकदम फिंगर टिप्स पे हैं सबके, और उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कराऊंगा। अब इन तीनों स्टोरी को मैं समराइज करता हूँ कि क्या क्या आप सीखे। पहले तेल बेचने वाले स्टोरी से कि एक होल से कैसे वो पास करा देता है, इसके पीछे का रीज़न है
कि वो परफेक्ट प्रैक्टिस करके आया है, तब वो तरकीबें दिखा रहा है वहाँ पर, तो आपको प्रैक्टिस परफेक्ट तरीके से करना है। सेकंड स्टोरी से आप ये समझे कि प्रैक्टिस तो करना है, परफेक्ट तरीके से करना है, लेकिन डेली बेसिस पर करना है। थर्ड स्टोरी से ये आप सीखे कि अचानक पहाड़ नहीं उठाना है, अचानक बैल को नहीं उठा लेना है हड़बड़ी में आकर के, थक जाओगे, हार जाओगे, फिर आप छोड़ दोगे करना उस चीज़ को, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको करना है। क्लियर? तो तीन स्टोरी से ये कुछ सीखने को मिला, यही सिंपल सा रीज़न है और यही तरीके को मैं फॉलो करवाता हूँ ग्रुप में। ग्रुप का जो लिंक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैं नंबर दे दूँगा कमेंट सेक्शन में पिन करके, डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। आपको सिंपल वहाँ पर कहना है कि सर मुझे ज्वाइन करना है ग्रुप, ठीक है, मैसेज करोगे मैं आपको ज्वाइन करा दूँगा वहाँ पर। ज्वाइन करने के बाद होता क्या है कि मैं आपको टास्क दूँगा डेली बेसिस पर, वहाँ पर टास्क दूँगा नेक्स्ट 24 घंटे में, एक उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए जाएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैं किसी चीज़ का एडवर्टाइज़ करने आया हूँ, फिर पैसे कमाने आया हूँ, बिल्कुल नहीं, इसके पीछे वैसा कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी भलाई हो जाए, और ये काम मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ, जिसके कुछ टास्क छूट भी गए, रिविज़न के दौरान आप उसको कवर कर लोगे। क्लियर? मतलब जब तक आप सारे सीरीज़ को, एसपी बक्सी के सारे सीरीज़ को याद नहीं कर लेते, मैं आपका मतलब पीछा नहीं छोड़ने वाला और आपको छुड़वाने वाला भी नहीं। मैं चाहूँगा कि आप सारे सीरीज़ के सारे वर्ड्स को याद कर लो, ठीक है, और रिवीजन कब और कैसे करना है ग्रुप वाले को सबको पता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखे। क्लियर? तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और बाकी मैं आपके साथ हूँ ग्रुप में, मैं आपको बता दूँगा।